डेमोक्रेटिक एजुकेशन या जमहूरी तालीम डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट थेरी इन एजुकेशन विच इज़ वेरी पॉपुलर नाव डेज़. नीड फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन यानी डेमोक्रेटिक एजुकेशन की नीड या ज़रूरत किस तरह से महसूस की जाती है पहली बात कि आजकल की मॉडर्न दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है या जमहूत है वे प्रिफर्ड वे ऑफ हैविंग द गवर्नमेंट है यानी कंट्रोल जो है वो लोगों के पास होना चाहिए लोगों की मर्ज़ी से होना चाहिए और लोगों के मंतख करदा नुमाइंदों के ज़रिए होना चाहिए ये एक एसेंस है जिसे फॉलो किया जा रहा है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर और इसे डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत किया जा कहा जाता है जमहूरियत का लफ्ज़ जमहूर से निकला है जिसके मानी अवाम हैं यानि लोग खुद हैं It makes sense for the preference of a democratic education which would produce men and women who are trained from a young age to be responsible and accountable citizens of a democracy. Now, important words are wo that uh, men and women trained from a young age, responsible, accountable citizens of a democracy. Yani aisi एजुकेशन की ज़रूरत महसूस की गई है जिसमें जो यूथ है जो यंग मैन एंड वेमेन है वो शुरू ही से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और अकाउंटेबल सिटीज़न्स यानी वो अपने एक्ट्स के लिए अकाउंटेबल हैं उनका किसी तरह भी एहतसाब किया जा सकता है उनके एक्शंस के ज़रिए क्योंकि वो Uh, दोनों तरीके से एक तो वो इंस्टीट्यूशन से इफेक्टेड हैं दूसरा उनके एक्शंस इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट करेंगे जो कि माशरे के अंदर मौजूद हैं तो इन दो बातों के लिए ऐसे लोग होने चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हों इन बातों के लिए एंड देन डेमोक्रेटिक स्कूल्स आर जनरली बेस्ड अपॉन अ नोशन ऑफ जेनवन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस एवरीवेयर थ्रू आउट सोसाइटी विद ऑल एजेस ऑफ पीपल और यहाँ अगर हम एक बात पे नोट करें और उसको गौर से देखें तो हमें ये बात समझाई जा रही है कि जो डेमोक्रेसी है वो इस तरह से नहीं है कि आपकी उम्र अगर एक कुछ ख़ास साल की आप हो चुके तो फिर आपको हक हासिल है वोटिंग का या सिलेक्ट करने का अपने मुंतब नुमाइंदों को बल्कि इसके उलट बात यह है कि किसी भी हर तरह की उम्र में डेमोक्रेटिक एजुकेशन को इनकल्केट करने की ज़रूरत है एंड स्पेशली थ्रू स्कूल्स और स्कूलों के ज़रिए क्योंकि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी जो कि जनवन है और जिसके अंदर आप हर चीज़ में शामिल हैं हर चीज़ के बनाने में और हर चीज़ को तामीर करने में माशरे के अंदर ये पॉसिबल है कि स्कूल ऐसे इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करें जो कि ये फरीजा सर अंजाम दें एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोन ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन यंग पीपल ऑट टू हैव द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्कूल वेयर द स्पेंड सो मच ऑफ देयर लाइफ और उनका ये कहना है कि बच्चे अगर दस से बारह साल तक एक स्कूल के अंदर रहते हैं और उसके अंदर पढ़ते हैं तो उनके पास एक ख़ास किस्म की ताकत और रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है जिसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उस इदारे के अंदर और उसे एक मिनीच एक मिनीचर सोसाइटी के तौर पे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के तौर पे बना सकते हैं हम अगर जॉन ड्यूई की फिलॉसफी पे वापस जाएं और ये देखें कि जॉन ड्यूई का भी ये कहना था कि स्कूल्स मस्ट सर्व एज़ द मिनीचर सोसाइटी प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक कल्चर यानी जो स्कूल्स हैं वो खुद बज़ात ख़ुद एक ज़िंदगी का नाम है बल्कि एक ऐसी प्रपरेटरी इन्वायरमेंट नहीं है जो किसी आने वाली ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करता है बल्कि वो ख़ुद एक जिंदगी है अपने अंदर जिसके अंदर हम डेमोक्रेसी के तमाम असूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं एंड वेन इंडिविजुअल्स आर बाउंड बाई लिमिटेशन एक्सपेक्टेशन और रूल्स दे हैड नो पार्ट इन एस्टैब्लिशिंग देन दे कैन नॉट बी सेट टू लिव इन अ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट और इसकी नफी यह है कि जब आवाम को जब बच्चों को जब यूथ को जब हर तरह के इंसानों को कुछ ऐसी चीज़ों से बाउंड किया जाए जिन प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस और लॉज और नॉर्म्स के अंदर उनकी खुद की पार्टिसिपेशन शामिल ना हो यानी उनकी ख़ुद की मंशा शामिल ना हो उनको बनाने के लिए तो वो किसी तरह भी डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं हो सकता So in a way, we are talking about educational institutions promoting democracy, where children and other stakeholders are taken into an account while making rules and while making regulations and norms and establishment of other traits in the institutions. And then a famous quote by John Dewey: All those who are affected by social institutions must have a share in producing and managing them. और यहाँ जॉनडोई का ही कहना है कि वो सब लोग जो किसी तरह भी सोशल इंस्टीट्यूशन से अफेक्ट होते हैं उनका रोल है उनके लिए ये इम्पॉटेंट है कि वो उनकी डेवलपमेंट के अंदर और उनकी मैनेजमेंट के अंदर अपना शेयर करें ताकि उन्हें यह महसूस हो कि वो इसको खुद बनाने वाले हैं And then the ideology of participatory democracy, Yani a democracy, in which subki shirkat, subki importance, subka ishtarakho, especially when practised in schools, is often considered as dangerously radical by a vast majority of educators, policy makers and parents. और जहाँ हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं स्कूलों के अंदर यानी हमारे तालीमी इदारों के अंदर तो फिर इसको एक रेडिकली डेंजरस समझा जाता है यानी एक इंतहा किया ख़तरा समझा जाता है बहुत से पॉलिसी मेकर्स के ज़रिए एजुकेटर्स के जरिए और पेरेंट्स के ख़्याल में भी ये एक ख़तरनाक अमल है